You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. असलम वेलकम बैक टू माई एम्स डिजिटल यूनिवर्स आई होप यू आर ऑल फाइन तो आज का ब्लॉग आपको टाइटल से देख के पता चल गया होगा ज़बरदस्त सी टिप्स हैं हाउस वाइफ्स के लिए होम मेकरस के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सी आप हाउस वाइफ कैसे बन सकती हैं कौन सी ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके मैं अब तक जो है वो अपने घर को अपनी फैमिली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर कर सकती हूँ अपने मेंटल पीस को सेटिस्फाई रख सकी हूँ साथ में आपके साथ जो है वो लंच से जो है वो डिनर की रूटीन शेयर करूँगी कि क्या जो है वो बनने वाला था लंच में तो मैंने सुबह ही मेन्यू में जो है वो जो जो बनना था वो मैंने इस तरह से लगा दिया था रेफ्रिजरेटर पर और ताकि मुझे आइडिया कि मैंने कौन कौन से काम करने हैं और जो मैंने बनाने थे यहाँ पर काले चने उनको मैंने सो करके रखना था पहले से ही साथ ही मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी कुछ प्रीवियस क्लिप्स की और मैंने कैंडल वगैरह ऑन कर दी थी ताकि अच्छा सा अरोमा घर से आने लगे कुछ पॉजिटिव सी वाइब्स आने लगे साथ में जो है मैंने एक डी बनाया था ग्लास जार के ऊपर जूट ट्रॉप के साथ तो उसके अंदर मैंने ना एक फेरी लाइट थी मेरे पास पड़ी हुई वो भी मैं इस तरह से ऑन करके रख ताकि एक अच्छा सा एस्थेटिक सा लुक आ सके बिया होम मेकर सबसे पहली चीज जो आप कर सकती है वो ये है कि एक होम मेकर जो है वो बहुत सारी चैलेंजिंग से गुजरती है जहाँ पर ये बात कही जाती है कि शेयरिंग इज केयरिंग शेयर करने से अपनी परेशानी को आ, आप दूर कर सकते हैं किसी को कॉन्फिडेंस में लेके जो है वो अपनी परेशानी कम कर सकते हैं वहीं पर मैं आपको कहूंगी कि एक बेस्ट थिंग ये है सबसे पहले कि आप जो है अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर मत करें जो भी आपने प्लान कर रखे हैं कि मैं ये बनना चाहती हूँ एज अ स्टूडेंट लाइफ भी जब आप थी तब भी आप कुछ ना कुछ बनना चाहती थी और उसके बाद भी अगर आप एक होम मेकर बन गई हैं तो आपने कुछ ना कुछ चाहे वो छोटे गोल्स हैं या बड़े तो आपने कुछ ना कुछ सोच के रखा होता है कि मैं जो है वो इस तरह से अपने बच्चों को ये बनाऊंगी मैं ये करूंगी या इस तरह की कोई भी बात अगर आपने सोची हुई है कि मैं अपना घर लूँगी हम इस तरह से प्लान लेकर गाड़ी भी लेंगे तो कोई भी बात जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है अपने गोल को किसी भी के साथ शेयर मत करें क्योंकि ये दुनिया वो नहीं है एक टाइम आता है क्योंकि आप जो है वो प्रॉपर अपने गोल्स पर वर्क कर भी नहीं पाते हैं तो फिर लेग पुलिंग करने वाले लोग जो हैं वो आपको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं अरे ये तो ऐसे कहती थी अरे ये तो बहुत कहती थी अरे इस तरह की जो बातें हैं फिज फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती हैं इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो भी गोल बनाया हुआ एज अ होम मेकर एज अ हाउस वाइफ एज अ स्टूडेंट एज अ डॉटर एज अ कुछ भी आप कहें तो आपने जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है क्योंकि वो लाइफ चल ही नहीं रही है आप आप किसी के साथ गोल शेयर करेंगे और वो आपको जो है वो कॉन्फिडेंस मिलेगा आपकी जो है वो डेवलपमेंट में आपका साथ देगा तो सबसे पहली चीज़ यही आ जाती है इवन के एज अ यूट्यूबर एज अ व्लागर भी आप जो है वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं ना कि मैंने इतने टाइम में ना अपने इतने सब्सक्राइबर्स कर लूँगी इन या मैं इतना जो है वो व्लॉग बनाऊँगी तो मेरे इतने व्यूज आ जाएंगे बहुत बार ऐसे होता है और बहुत सारे लोग अरे ये तुम्हारे पास की बात नहीं है तुम नहीं कर सकती या बड़ा ये करना पड़ता है ऐसे होता है आपने वो भी शेयर नहीं किसी के साथ अपने गोल्स को शेयर करें ही ना बस क्या कहते हैं खामोशी के साथ मेहनत करते जाए अल्लाह पर यकीन रखें वो सब कुछ करने वाला है ये बंदे सवाए जबान चलाने के कुछ भी नहीं कर सकते और ना आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि ये ग्लास जार था मेरे पास ही मैंने रखा हुआ था अवन के ऊपर मैंने आपको वो जगह दिखाई है समझ नहीं आई ये टूट कैसे गया क्योंकि मैंने इसको वॉश करके जब उल्टा करके रखा अचानक से आवाज़ आई और मैंने देखा तो ये ना इस तरह से क्रैक्स आ गए थे और हाथ लगाने से ना बिल्कुल इसके एजेस जो लग नहीं रहा था कि टूटे हुए इनर साइड से कोई आया था तो मैं इसका सोच रही थी कि मैं इसको क्या करूँ कोई डी आई वाई करूँ बेसिकली ये ड्राई फ्रूट्स वाला तो मैंने सोचा कि मैंने कहा इसमें पानी डाल के चेक करती हूँ कि क्या वाकई लीक हो रहा है तो फिर मैं कोई लिक्विड चीज़ का प्लांटर इससे बना लेती हूँ लेकिन पानी मैंने वही मनी प्लांट की कटिंग एक बड़ी सी लगाई हुई है तो जब मैंने पानी डाला तो इस तरह से अच्छा खासा लीक कर रहा था और मैं ना इसको सोच रही कि मैं इसको एल्फी लगा देती हूँ फिर बाद में मैंने जो है इसको रखा भी कि मैं थोड़ा ही पानी लीक हो रहा है नीचे कोई कपड़ा लगा लूंगी तो वो सेव ही रहेगा लेकिन सच इतना जो है वो ज़्यादा था इसका मसला तो अब मैं इसके ऊपर कोई डी आई करूंगी तो मैंने साथ में जो है वो चने सो करके रख दिए थे काले चने मैं बनाती हूँ बहुत ही मेरी ज़बरदस्ती रेसिपी है और वैसे दो तीन डिशेस बनानी है आज मतंजन बनाना है मतंजन तो अम्मी ने बनाया था मुझे जो है वो इतना पसंद भी नहीं है और मैंने कभी बनाया एक दो बार बनाया है लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे अच्छा नहीं बनता आज मैंने अम्मी से सीखा था रेसिपी में और नेक्स्ट मैं आपके साथ खुद बनाकर शेयर करूँगी क्योंकि मुझे इतना पसंद भी नहीं है अब्दुलरफे को बहुत पसंद है तो वो बार बार कहता है कि मैंने मीठे चावल खाने हैं तो उसके लिए मैंने बनाना था साथ में जो है वो यहाँ पर जो है वो सो कर दी थी मैंने चने ताकि अच्छे से फूल जाएं जब तक मैं बाकी काम कर लूँगी तो तब तक ये हो जाएंगे अच्छे से तो सेकंड चीज़ आ जाती है जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी किसी भी सूरत हाल में तो वो है आपकी इनकम आपका इनकम सोर्स क्या है आप कितने पैसे कमाते हैं ये नहीं कि आप ज़्यादा कमाते हैं आप किसी को मत बने अगर आप कम भी कमाते हैं आपकी इनकम का सोर्स कम है तो भी मत बताएं क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम किसी को अपनी इनकम बताते हैं ना कि ये हमारी इनकम है तो वो उससे ही ज़्यादा जो है ना जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं अरे इसके पास पैसे आ रहे हैं कोई हाल तो निकले इसके जो है ना इसकी खुशी बर्बाद करनी है वो दुनिया और वो लोग और वो रेलेटिव और थे जो कि आपकी खुशियों में खुश होते थे वो टाइम गुजर चुका है आप अपने आप को ही देख लें मैं ये नहीं कह रही कि हम अच्छे हैं और बाकी हमारे साथ भी मोस्टली ऐसा होता है कि हम देखते हैं किसी को तो हम कहते हैं कि यार हमने भी इतनी मेहनत की हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही कि सभी अच्छे होते हैं तो इस तरह से इनकम जो है ना वो किसी को मत बताएं ये भी ना सोचें कि जो है वो हम अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर करेंगे अपनी इनकम किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो कम हो जाएगी ऐसा भी नहीं होता बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अगर कम है इनकम तो भी मत बताएं इससे क्या होता है कि अगला बंदा कहना शुरू करता है क्या ये हर वक्त रोना रोना डाल ही रखता है पैसे इसके पास हैं नहीं या है, हर वक्त इसकी यही बात तो बस शुक्र करें अल्लाह का हर हाल में शुक्र करें जहाँ भी आप बात करेंगे तो अपना आप ही दिखाएंगे चाहे आप ज़्यादा इनकम बताएंगे या कम बताएंगे तो एज़ अ हाउस वाइफ जब भी आप अगर व्लॉगिंग भी करती हैं या कोई छोटा मोटा बिज़नेस करती हैं जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो मत बताएं किसी को भी मत बताएं कि मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं है वो दौर चला गया है कि जब आपकी जो है वो इनकम पर खुशी होती थी या आपके कम पैसों से लोगों को कोई तकलीफ होती थी वो दिन गए हैं तो so, साथ में यहाँ पर ना मैं धनिया को सेव करके रख रही थी इस दफ़ा ना मैंने इसको टिशू पेपर में रैप करके नहीं रखा तो मसाले वगैरह डाल दिए थे मैंने इसमें चने में तो मोस्टली मैं नमक और जो है वो गरम मसाला ही डालती हूँ उसके बाद जो है वो मैं रख देती हूँ ट्वेंटी मिनट्स के लिए वेट जब सीटी बच जाती है उसके बाद ही मैं उसको ओपन करती हूँ क्योंकि इससे जो होता है वो अच्छा खासा जो है वो यखनी निकल जाती है पहले मैं भी ना बनाया करती थी चने जो है वो पानी मतलब डाल के उनको गला लिया फिर पानी ड्राई किया और बाद में उसको भूना उससे ये अच्छे ही नहीं बनते थे लेकिन ये वाली जो रेसिपी है मतलब इस तरह से आप बनाएंगे जिस तरह पाए का शोरबा होता है उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा ही बनकर जो है वो रेडी होगा चावल जो है वो भी मैंने धोकर सोख कर लिए थे मोस्टली जब भी ये यखनी वाले चने बन हैं तो इनके साथ जो है वो बॉयल राइस बनते हैं साथ में ना साबित मसूर की दाल बनानी थी और वो भी जो है ना अमी ने बना ली थी सुबह में ही और ज्यादातर जो है वो एक से दो डिशेस तभी बनती हैं जब किसी को चॉइस अलग होती है नहीं तो मोस्टली दिन में एक ही बार जो है वो एक ही सालन बनता है तो आज थोड़ा सा जो है वो ज्यादा हो गया था तो मैंने सोचा आपके साथ ब्लॉग भी शेयर कर लेते हैं यहां पर जो ट्वेंटी मिनट्स हो गए थे तो मैंने इसको जो है वो निकाल लिया था ये यखनी स्ट्रेन करने के लिए चावल धोने के लिए काफ़ी अच्छा है ये जग और इस तरह से जो प्याज़ वगैरह थे मटीरियल था वो पानी में नहीं जाता है और चने भी जो है वो इसी में रहे थे और बाद में मैंने जो है वो यखनी साइड पर कर ली थी और उसमें ऑयल वगैरह डाल के इसको अच्छे से भून लिया था टमाटर आप चाहें तो जब आपने बाकी के मसाले डाले थे तभी डाल सकते हैं लेकिन अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसने फ्राई होना है इसलिए मैं जो है वो टमाटर इस स्टेज पर आकर डाल देती हूँ अगर आप चाहें तो जब आपने पानी डाला था तभी आप ऐड कर सकते हैं थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है एज आ होम मेकर एज अ हाउस वाइफ अपने जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं चाहे आपके घर में हैं वर्क प्लेस में हैं कहीं भी कोई बेस्ट फ्रेंड है आपकी बहुत आप समझ रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को बहुत फेस किया है कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है तो हम क्या करते हैं परेशान होते हैं दुख में होते हैं तो क्या करते हैं शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करें जैसे ही कि वही बात आ जाती है खुशियाँ शेयर नहीं करेंगे तो सीक्रेट्स भी अपने पास की कोई बात है कोई आप आपको दुख हुआ था तो इस तरह से कोई भी आपकी जो पोजीशन थी या कुछ भी था उसको शेयर नहीं करें क्योंकि कोई पता नहीं है वो बंदा किस टाइम पे आपको जो है वो बैश करना स्टार्ट कर दे आपकी जो है वो बिचिंग करना स्टार्ट कर दे जगह जगह पे और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से अक्सर दे, देवरानी जेठानी का हो जाता है इन लॉज के मसले हो जाते हैं घर में हाउस के लिए या कोई भी ऐसी वर्क प्लेस होती है जहाँ पर आपके कोलीग्स के साथ आपका इशू हो सकता है तो आप दूसरे के साथ मिलकर उसकी बिचिंग करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आता है कि वो बंदा उसी के साथ उल्टा होकर जो है वो आपके बारे में बातें करना स्टार्ट हो जाता है और ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन होगी हुई है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो है वो किसी भी टाइम पर जो है वो नहीं बोलनी कि आपने जो है वो सोचना नहीं है कि ये बंदा इस टाइम पे मेरे साथ ठीक है और आगे जाकर भी ठीक रहेगा अपने सीक्रेट्स किसी के साथ ना शेयर करें अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती हैं तो so, यहाँ पर राइस जो है वो काफ़ी देर के सौख थे साथ ही मैंने पानी भी रख दिया था और मैं मोस्टली जो है वो इसी पर बनाती हूँ कभी कभार ऐसा होता है कि इशू हो जाता है गैस का तो फिर मैं बना लेती हूँ इलेक्ट्रिक में वैसे यहाँ पर जो है वो स्वी गैस तो अवेलेबल नहीं है तो जो है मोस्टली जो है वह सिलेंडर का ही यूज मैं करती हूँ लेकिन अब ना सिलेंडर बहुत ज्यादा काले करता है बर्तन है वो दाल बनी थी साथ में चने साथ में ये मुतंजन बनाया था मैंने और अम्मी की रेसिपी है नेक्स्ट मैं भी सीख ली है और आपके साथ बहुत अच्छा सा शेयर और थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने घर की नोक जो कोई छोटी मोटी किसी फैमिली मेंबर के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है तो वो किसी के साथ शेयर मत करें क्योंकि लोग जो है वो चस्के ही लगाते हैं उनको जो है वो आपकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है उनको बस अपनी जो है वो मेंटली और सेटिस्फेक्शन चाहिए आपकी बातें सुन के तो so आई होप कि काफी सारी टिप्स हैं जिनमें से कुछ आपको अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी हैं तो लाइक जरूर करना है चैनल को कर देना है सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज